गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। तो अभी मैं हूँ जगदीश के साथ। हम लोग जगदीश के गांव आए हुए हैं, नियर टू बागेश्वर। द नेम ऑफ दिस विलेज इज दियारी नौ, ऑल दो आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंस इट करेक्टली, बट वेरी सुन आई एल बी एबल टू। और कल हम लोग शायद वापस अल्मोड़ा जाएंगे, वैसे आज ही जाना था बट बिकॉज ऑफ सम रीजन्स इसकी दीदी ने कहा कि आज रुक जाओ एंड ऑल, तो हम आज रुक गए हैं, कल हम लोग अल्मोड़ा को वापस जाएंगे। सो देर इज अ क्वेश्चन समवन हैज आस्क्ड कि टेल अस अबाउट योर प्रिपरेशन, हाउ मच यू हैव प्रिपेयर्ड एंड हाउ सून यू आर गोइंग टू कवर दिस सिलेबस। सो अबाउट दैट यार, देखो आई हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग सिंस आई कम्प्लीटेड माई 12th। ये चीज़ मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ, तो ऑब्वियसली द मिस्टेक्स यू ऑल आर मेकिंग, आई हैव मेड दोज मिस्टेक्स अर्लियर, है ना। तो यू विल सून बी एबल टू करेक्टिफाई ऑल दोज मिस्टेक्स दैट यू आर डूइंग राइट नाउ। तो जो कुछ भी मिस्टेक्स आप लोग अभी कर रहे हैं, आप बहुत जल्दी उन मिस्टेक्स को करेक्ट करना सीख जाएंगे और उन मिस्टेक्स से आप लोग बहुत ही जल्दी रिकवर कर जाएंगे। तो मेरी प्रिपरेशन की अगर बात करें तो मैंने सबसे पहले NCERTs पढ़ी थी। ऑल दो मुझे वो फर्स्ट अटैम्प्ट में यानी फर्स्ट रीडिंग में कुछ ऐसा समझ में कुछ खास आया नहीं था, है ना। मैंने वही होता है कि सब शुरुआत में हम लोग क्या समझते हैं कि हम चीज़ों को एकदम से ख़त्म कर देंगे, एकदम से सब कुछ पढ़ देंगे, बट वो पॉसिबल नहीं होता है, वो नियर टू इम्पॉसिबल चीज़ है। तो ये चीज़ तो आप अपने मन से निकाल दीजिए। मैंने NCERTs पढ़ी थी, समझ में नहीं आया था। मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री की प्लेलिस्ट देखी यूट्यूब पे, उसके नोट्स वगैरह बना लिए, नोट्स आज भी ऐसे रखे हुए हैं। पॉलिटी की मैं बात करूँ तो पॉलिटी के लिए मैंने सीधा लक्ष्मीकांत उठाई थी, मैंने पॉलिटी के लिए कोई NCERT नहीं पढ़ी, बिकॉज मुझे लगता था कि यार पॉलिटी में मतलब क्या ही NCERT पढ़ना है ना, उसमें कुछ ऐसा फैक्चुअल नॉलेज जैसा कुछ चाहिए नहीं, एंड कॉन्सेप्चुअल नॉलेज अगर बनानी है तो आई थिंक लक्ष्मीकांत इज अ गुड बुक। आप सीधा लक्ष्मीकांत से भी शुरू कर सकते हैं अगर आपको चीज़ें समझ आती है तो। NCERT हिस्ट्री की मैंने 6th से 10th तक मैंने पूरी पढ़ी। 11th 12th मैंने बाद में पढ़ी, पहले 6th to 10th पढ़ ली थी, बाद में मुझे समझ में आया कि 9th and 10th की हिस्ट्री में भी कुछ खास ऐसा है नहीं। आप बस वो पोर्शन पढ़ लीजिए जो इंडियन हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, इंडियन हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में, है ना, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री हमारे सिलेबस में ही नहीं है। मेंस में एक दो क्वेश्चन आ जाता है, वो आप लोग बाद में पढ़ सकते हैं, तो उसके लिए पूरी 9th और 10th की NCERT पढ़ना वो कोई ज़्यादा ज़रूरी टास्क है नहीं, है ना, तो आप लोग अवॉइड कर सकते हैं। उसके बाद ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ज्योग्राफी आप लोग NCERT की इन एनी केस स्किप करना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, है ना। मोस्ट ऑफ़ द क्वेश्चंस आपके जो NCERT हैं उसी से बन जाएंगे, आपने अगर 6th to 12th की NCERTs पहले कवर कर लीजिए, है ना, मेनली वही है, उसी से आपके मेंस के भी और प्री के भी क्वेश्चंस बन जाएंगे। बाकी आपको उसको अपने करंट्स से अपडेट रखना पड़ेगा, डिजास्टर वगैरह जो आते रहते हैं उनसे अपडेट रखना पड़ेगा, उस तरह के क्वेश्चन बनते हैं मेंस में। तो मेरी प्रिपरेशन अभी मैंने NCERTs पढ़ रखी हैं, रेफरेंस बुक्स मैंने रमेश सिंह एक बार पूरी पढ़ी है, एक बार आधी पढ़ी है, उसके बाद मैंने UPSC वाला का बैच ले लिया था, तो अभी वो बैच को ही कवर कर रहा हूँ मैं इकोनॉमी के लिए। लक्ष्मीकांत मैं 3 बार पढ़ चुका हूँ, 2-3 बार, स्पेक्ट्रम 2 बार पढ़ चुका हूँ, एंशियंट हिस्ट्री के RS शर्मा सतीश चंद्रा पढ़ चुका हूँ 2 बार, नितिन सिंघानिया आर्ट एंड कल्चर वाली पढ़ चुका हूँ 2 बार, और ऐसे कोई बुक्स मैंने खास जो इसकी है प्रेपरेशन की बुक्स, हाँ ज्योग्राफी की NCERTs मैंने सारी कवर करी हैं 12th तक की अच्छे से, और इकोनॉमिक्स की 9th and 10th की NCERT भी पढ़ी है। तो ये वो चीज़ें हैं जो मैं पढ़ चुका हूँ, है ना। और इसके अलावा मेरी प्रेपरेशन में करंट अफेयर्स में रेगुलर कवर करने की कोशिश करता हूँ, छूट भी जाते हैं, है ना, ऐसा नहीं है कि अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं डेली करंट अफेयर्स कर ही लेता हूँ, बिल्कुल हर कोई चीज़ बिल्कुल जैसा सोचा होता है वैसा चल पाता है, ऐसा कई बार नहीं भी हो पाता है, चीज़ें रह जाती हैं। जैसे अभी यहाँ आया हूँ तो 1-2 दिन करंट अफेयर नहीं हो पाया, फिर आज अब न्यूज़पेपर पढ़ लूँगा, थोड़ा 1-2 वीडियोज़ देख लूँगा यूट्यूब पर, मतलब जितना आपको टाइम मिलता है उतने टाइम का आप कोशिश कीजिए कि आप उसको यूटिलाइज़ कर लें, है ना। अब जो वेस्ट हो रहा है वो तो हो ही रहा है, और जितना बच सकता है उतना बचा लीजिए। तो मेरी प्रिपरेशन यार मुझे ऐसा लगता है कि आई विल बी एबल टू गो थ्रू इट, है ना, क्योंकि 2024 में अटेम्प्ट है और प्रिपरेशन अभी तक तो स्ट्रीमलाइन ही रही है, अच्छी ही रही है। इफ़ फॉर गॉड्स सेक, भगवान करे 2024 वाले बैच से मैं IAS बन के ही निकलूँ, है ना। तो इसके अलावा मेरी प्रिपरेशन में कुछ
खास अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो कुछ भी नहीं है। वही जैसा एक हर एक एस्पिरेंट की प्रिपरेशन चल रही होती है, वैसे ही मेरी भी प्रिपरेशन चल रही है। अपनी तरफ से एफर्ट्स पूरे हैं यार, है ना। फिर वही बात है कि कुछ ह्यूमन लिमिटेशंस होती हैं, तो वही लिमिटेशंस है कि कभी कभी मन नहीं करता है पढ़ने का, और कभी कभी दोस्तों का बर्थडे, कभी फैमिली में कोई फंक्शन। मैक्सिमम कोशिश कीजिए कि अवॉइड करें, बट कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो आपको ज्वाइन करने ही पड़ेंगे, है ना। तो गाइस विल सी यू सोन इन द नेक्स्ट वीडियो।